Hi, how are you? Today we are learning about shadows. What is a shadow? When we stand under a tree, the shade of the tree protects us from the sunlight. See, when we stand under a tree, the shade of the tree protects us from the sunlight. जब हम पेड़ के नीचे गड़े होते हैं तो पेड़ की छाया हमें धूप से बचाती है। आज हम छाया के बारे में जान रहे हैं। छाया क्या है? What is shadow? Have you noticed a shadow walking with us as we walk on a sunny day? क्या आपने देखा है कि धूप के दिन चलने के साथ हमारी परछाई भी हमारे साथ चलती है? Have you noticed that our shadow walking with us as we walk on a sunny day? Sunny day मतलब धूप के दिन। Do you know what makes a shadow? क्या आपको जानते हैं कि छाया कैसे होता है? Tell me, छाया कैसे होता है? Okay, now let us learn about shadows. Look at this first paragraph. Are you ready? Okay, we are going to start the lesson. Children often play chasing games. In a chasing game, the player who chases is called it. He chases the others and tries to touch one of them. The one who gets touched becomes it, who in turn tries to touch another player. Children often play chasing games. बच्चे chasing games खेलते हैं. In a chasing game, the player who chases is called it. Chasing game मतलब पीछे करने वाला game. ठीक है? चेसिंग गेम में जो खिलाड़ी पीछे करता है उसे इट कहा जाता है. क्या कहा जाता है? इट, IT, इट. ही चेसेस द अदर्स एंड ट्राइज टू टच वन ऑफ देम. वो दूसरों का पीछे करता है और उनमें से एक को छूने की कोशिश करता है. The one who gets touched becomes it, who in turn tries to touch another player. जो छू जाता है वो it बन जाता है, जो बाद में दूसरे खिलाड़ी को छूने की कोशिश करता है. Now tell me, who is it? It कौन है? चेसिंग गेम में जो खिलाड़ी पीछे करता है उसे इट कहा जाता है. कौन है जो खिलाड़ी पीछे करता है? उसे हम इट कहा जाता है. क्या आपको चेसिंग गेम्स पसंद है? डिड यू प्ले चेसिंग गेम्स? आपने ये चेसिंग गेम खेला? शायद स्कूल में खेला होगा, राइट? Next paragraph. Children have fun chasing each other's shadows. Shadow tag is one such game. In this game, the player who is it tries to step on the shadow of one of the other players. This game requires an umpire who decides whether it has stepped on a shadow or not. To play this game, there must be light or sunshine. Okay, now listen carefully. Children have fun chasing each other's shadows. Shadow tag is one such game. एक और खेल है shadow tag. क्या है? Shadow tag. बच्चों को एक दूसरे की परछाई का पीछे करने में मजा आता है. Shadow tag एक ऐसा ही खेल है. Did you play shadow tag? आपने ये खेल खेला? In this game, the player who is it
tries to step on the shadow of one of the other players. इस गेम में ये जो खिलाड़ी है वो अन्य खिलाड़ियों में से एक की छाया पर कदम रखने की कोशिश करता है. इसमें इट क्या करता है, वो अन्य खिलाड़ियों में से एक की छाया पर कदम रखने की कोशिश करता है. इट ट्राइज टू स्टेप ऑन द शैडो ऑफ वन ऑफ द अदर प्लेयर्स. दिस गेम रिक्वायर्स एन अंपायर हु डिसाइड्स वेदर इट हैज स्टेप्ड ऑन ए शैडो और नॉट. टू प्ले दिस गेम देयर मस्ट बी लाइट और सनशाइन. इस गेम के लिए एक अंपायर चाहिए. अंपायर क्यों चाहिए, क्योंकि इसमें इट छाया पर आगे बढ़े या नहीं ये पूरा देखने के लिए, खेलने के लिए अंपायर चाहिए. और इस गेम को खेलने के लिए रोशनी या धूप होनी चाहिए. रोशनी और धूप नहीं हो तो छाया नहीं होता है. शैडो टग खेलने के लिए हमको शैडो चाहिए ना, इसलिए रोशनी या धूप होनी चाहिए. नेक्स्ट पैराग्राफ. यू ऑल्सो नीड ए बिग ओपन स्पेस वेयर प्लेयर्स कैन रन अराउंड विदाउट बम्पिंग इन टू थिंग्स. हैव यू एवर प्लेड शैडो टैग विथ योर फ्रेंड्स? ओके, नाउ लिसन. यू ऑल्सो नीड ए बिग ओपन स्पेस वेयर प्लेयर्स कैन रन अराउंड विदाउट बम्पिंग इन टू थिंग्स. ये खेल खेलने के लिए आपको एक बड़ी खुली जगह की भी ज़रूरत होती है, जहाँ खिलाड़ी बिना किसी चीज़ के टकराए दौड़ सकते हैं. क्या आपने कभी अपने दोस्तों के साथ शैडो टग खेला है? डिड यू प्ले शैडो टग? डिड यू एवर प्ले शैडो टग विथ योर फ्रेंड्स? नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. देर इज अनदर इंटरेस्टिंग शैडो गेम. वी कॉल इट फिंगर शैडो. To play this game, you need only your hands, a bright light, and a clear wall. There is no need of an umpire or a partner. Also, you can play it all alone by yourself. Listen, there is another interesting shadow game. Ek aur shadow game hai. We call it finger shadow. Kya hai? Hum ise finger shadow kehte hain. To play this game, you need only your hands, a bright light, and a clear wall. इस खेल को खेलने के लिए आपको केवल अपने हाथों, एक फ्लैश लाइट और एक क्लियर दीवार की आवश्यकता होती है. एक और गेम है फिंगर शैडो. ये फिंगर शैडो खेलने के लिए क्या क्या चाहिए? खेलने के लिए आपको केवल अपने हाथों, हाथ और एक फ्लैश लाइट और एक दीवार, क्लियर दीवार. देर इज नो नीड ऑफ एन अंपायर और ए पार्टनर. ऑल्सो यू कैन प्ले इट ऑल अलोन बाय योरसेल्फ. इसमें अंपायर या फ्रेंड्स का जरूरत नहीं होता है. इसके अलावा आप इसे अकेले भी खेल सकते हैं. क्या है, इसमें फिंगर शैडो गेम में आपको अंपायर या फ्रेंड्स का ज़रूरत नहीं होते हैं. आपको इसे अकेले ही खेल सकता है. ओके, वी विल टॉक अबाउट दिस गेम टुमारो. दिस इज ऑल फॉर टुडे. इस गेम के बारे में हम कल पढ़ेंगे. सो आई एम गोइंग टू रीड दिस लेसन वन मोर टाइम. लिसन केयरफुली. Children often play chasing games. In a chasing game, the player who chases is called it. He chases the others and tries to touch one of them. The one who gets touched becomes it, who in turn tries to touch another player. Children have fun chasing each other's shadows. Shadow tag is one such game. In this game, the player who is it tries to step on the shadow of one of the other players. This game requires an umpire who decides whether it has stepped on a shadow or not. To play this game, there must be light or sunshine.
You also need a big open space where players can run around without bumping into things. Have you ever played shadow tag with your friends? And there is another interesting shadow game. We call it finger shadow. To play this game, you need only your hands, a bright light and a clear wall. There is no need of an umpire or a partner. Also, you can play it all alone by yourself. हम इसमें shadows के बारे में learn करते हैं. बच्चे chasing games खेलते हैं. Chasing game मतलब पीछे करने वाला game. Chasing game में जो खिलाड़ी पीछे करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे it कहा जाता है. क्या कहा जाता है? It. वो दूसरों का पीछे करता है और इनमें से एक को छूने की कोशिश करता है. जो छू जाता है वो it बन जाता है, जो बाद में दूसरे खिलाड़ी को छूने की कोशिश करता है. एक और खेल है शैडो टैग. बच्चों को एक दूसरे की परछाई का पीछे करने में मज़ा आता है. शैडो टैग एक ऐसा ही खेल है. इस खेल में ये जो खिलाड़ी है वो अन्य खिलाड़ियों में से एक की छाया पर कदम रखने की कोशिश करता है. इस गेल के लिए एक अंपायर चाहिए. क्यों अंपायर को क्यों चाहिए? क्योंकि इसमें इट छाया पर आगे बढ़े या नहीं ये पूरा देखने के लिए, चेक करने के लिए. इस गेल को खेलने के लिए रोशनी या धूप होनी चाहिए. और ये खेल खेलने के लिए आपको एक बड़ी खुली जगह की भी ज़रूरत होती है, जहां खिलाड़ी बिना किसी चीज़ के टकराए दौड़ सकते हैं. और एक और शैडो गेम है, हम इसे फिंगर शैडो कहा जाता है. क्या है? फिंगर शैडो. इस गेम को खेलने के लिए आपको केवल अपने हाथों, एक फ्लैशलाइट और एक क्लियर दीवार की आवश्यकता होती है. फिंगर शैडो में अंपायर या फ्रेंड्स का ज़रूरत नहीं होता है. इसके अलावा आप इसे अकेले भी खेल सकते हैं. फिंगर शैडो के बारे में हम कल पढ़ेंगे. Homework is there. Write all the hard words in your notebook and write those meanings also. Only two meanings are there. Write those meanings in your notebook. Meanings three times. And don't forget to write in your copywriting book. Thank you for listening. See you again tomorrow.